बम फोड़ रहा है, देशद्रोही और धर्मद्रोहियों के पीछे बम फोड़ना बेटा, समझा? नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, दिख नहीं रहा है कोई भी कमेंट। तुम देखो वाला, मैं लाइव हूँ, दिख रहा हूँ क्या? देखो मेरे पे नोटिफिकेशन, पता नहीं हो जाता है। साथियों वंदे मातरम, जय हिंद, आशीर्वाद। लाइव में कुछ प्रॉब्लम है शायद, नजर नहीं आ रही है मुझे किसी की भी कमेंट, शायद जो भी हो, पर मैं अपनी बात रखता हूँ 2 मिनट। मैंने अभी एक पोस्ट अपलोड की है विद्यासागर जी के चेलों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज 22 वर्ष पूर्ण हुए मेरे साधना के, और आज 22 वर्ष का ये सन्यासी आप सभी के साथ अपनी बात रख रहा है, हमेशा रखता है। शांति रखो, तो फोड़ इसके बीच बम डालो, इसमें बम बक 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 बक। देशद्रोहियों के पिछवाड़े बम फोड़ना बेटा, ये छोटे छोटे बम किसी काम के नहीं। जलाओ जलाओ जलाओ। साथियों जो दीपावली पर्व है, अभी सारे लोग अपने अपने तरीके से ये पर्व मनाते हैं। जैन धर्म में जो अहिंसा के नाम पर पाखंड रचा जाता है, उस पाखंड के विरुद्ध में मैं हमेशा बात करता हूँ। सिर्फ जैन धर्म नहीं, जहाँ मुझे पाखंड नजर आता है मैं वहाँ बोलता हूँ, और फिर मुझे गालियाँ देने वाले आ जाते हैं फेक आईडी बना करके। फर्क नहीं पड़ता, जो गालियाँ मुझे देते हैं समझ लीजिएगा कि मैं जीत गया हूँ और वो हार गए हैं, इसलिए मैं मन पर नहीं लेता। अभी मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं विद्या बाबा की पोस्ट डालने के बाद मैं कमेंट नहीं कर पा रहा था, तो मैं कमेंट में एक साथी है जो मेरे शिष्य है, मुझे मानते हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी अपना बीपी मत बढ़ाओ। तो सुनो भाई, सूर्य सागर नाम है हमारा, हमारा बीपी कभी बढ़े या केवल और केवल हम छोटा छोटा बम और बारूद फोड़ सकते हैं। अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, प्रजातंत्र नहीं होता, तो चित्र शायद कुछ अलग होता सूर्य सागर जी की ओर से। तो मैं उन सभी को एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरी चिंता नहीं करिए आप। जो भी विद्या बाबा का पाखंडी चेला मेरे खिलाफ बात करेगा, भौंकेगा, तो मैं उसे नंगा अवश्य करूंगा। नेट समस्या थी यार, हाँ आ गया नेटवर्क। तो मैं साथियों माफ करना, क्षमा करना, मैं नेटवर्क मेरा चला गया था, इसलिए बस यही कहना चाहूंगा। 22 वर्ष हो गए आज मेरे साधु जीवन के, संन्यास जीवन के, और मैंने अपने 22 वर्षों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे मलिनता का अनुभव मुझे स्वयं को महसूस हो। मैं केवल और केवल मेरा देश और मेरे देश से प्रेम करता हूँ, और देश से प्रेम करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं हर पल प्रतिपल हर समय करता रहूँगा, और यही गुनाह में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मैं विद्यासागर का विरोधी नहीं हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। लोग उन्हें भगवान बोलते हैं, मेरे नज़रों में कोई भगवान नहीं, एक सामान्य सा सन्यासी है वो। और अगर तुम भगवान मानते हो तो तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी अपनी बलिहारी, लेकिन सूर्य सागर के प्रपंच में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाकी मैं यहाँ पटाखे फोड़ूँ, बम फोड़ूँ, या किसी को फोड़ दूँ, ये मेरा अपना विषय है। मेरे कर्मों की सजा मुझे मेरा ईश्वर देगा, उसका भुगतान मैं स्वयं कर लूँगा, मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आचार्य विद्यासागर जी तुम्हें यही सिखाते हैं कि किसी और पर्सन को गालियाँ दो, तो मैं ऐसे आचार्य का निषेध करता हूँ, और तुम्हें तुम्हारे आचार्य ने सही ढंग से शिक्षा दी नहीं है। धर्म की बातें बताकर लोगों को बरगलाना वो काम मेरा नहीं है, केवल और केवल देश हित का काम करना यही मेरा कार्य है, और आगे भी मैं और कुछ कार्य इतने बड़े बड़े प्रपंच रचाऊंगा कि ताकि वो देख करके तुम्हारे आगे और पीछे सब कुछ जल करके राख हो जाए, कोयला हो जाए। मैं अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पड़ी है मैं बारूद फोड़ू या कुछ और फोड़ दूँ। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है, 20 वर्षों में किसी की औकात इतनी नहीं हुई कि सूर्य सागर के सामने आकर के सवाल का जवाब मांगे। जब तुम्हारे बाबा डीजल वाले इंजन में बैठ सकते हैं, तो सूर्य सागर ने बम फोड़ दिए तो कौन से बड़े अपराध कर दिया। मेरा YouTube पर चैनल है सूर्य सागर गुरुदेव, आप इंग्लिश में टाइप करो, आपके YouTube पर मेरा चैनल नजर आएगा। वहां पर जिस प्रकार से जो कमेंट करता है मैं उसको उसी प्रकार जवाब देता हूं। अगर तुम गाली दोगे, निश्चित तुम्हें सूर्य सागर उससे भी गड़ी गुजरी गाली जरूर देगा।
और कोई ये राय नहीं दे, सभी साथियों को मैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम का दिखावा मत करिए। मैं तुम्हारे प्रेम का ना कर्जदार हूँ ना मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूँ। अगर तुम सचमुच मेरे प्रेमी हो, सचमुच मुझसे प्रेम करते हो, तो वहाँ किसी को सजेशन मत दीजिए कि अरे यहाँ माता बहने गाली मत दो। वो उसका कार्य है, सूर्य सागर का राइट है, सूर्य सागर का काम है कि वो गलत कमेंट करने वाले को रोके। आप लोगों को अधिकार नहीं है कि मेरे साथियों को रोके और उनको बोले कि आप माता बहने हैं। वो बेहतर जानते हैं और मेरी सारी माता बहने अवश्य जानती है कि मेरे साथी तब गाली देते हैं जब गाली देने वाला, गाली खाने वाला, गाली खाने के औकात रखने वाला वहाँ घुस आता है। इसलिए किसी की राय की आवश्यकता नहीं हमें। यह दीपावली पर्व है और आज संयम के 22 वर्ष मैंने अपने जीवन में पार किए हैं, इसलिए आज शांति से आप सभी के साथ चर्चा करना करके इस लाइव को समाप्त करूंगा। ये दीपावली पर्व है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने अपने ताकत और औकात के अनुसार इस पर्व को मनाता है। मैं तो पहले से ही पटाखे वगैरह फोड़ता हूँ, और मैं नहीं फोड़ता, मेरे शिष्य फोड़ते। कभी मेरे को देखा है क्या किसी ने पटाखे फोड़ते हुए? कृतकारिता अनुमोदना, अगर अनुमोदना भी पाप है तो तुम्हारे उन बाबाओं की भी अनुमोदना पाप है जो मुझे आकर के गालियां देने के लिए आप लोग ढूंढते हो। और ये सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि ढूंढते हो कहीं ना कहीं सूर्य सागर को गालियां देने के लिए। इसमें और एक कॉमेंट है जो मैंने विद्या बाबा के लिए पोस्ट लिखी है, उसके अंदर एक आदि सागर लिखा हुआ है, अरविंद शास्त्री, उस साले को छोड़ना नहीं आप लोग। मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, ये 7 बार दीक्षा ले चुका है, 7 बार इसको भोग करते हुए पकड़ा गया है। ये भोपाल में रहता है, ये दिगंबर साधु था, और इस भोगी को मेरे गुरु जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, ऐसे मेरे गुरु भी कोई कम नहीं है। उन्हें धर्म से, देश से कोई प्रेम नहीं है, देश से उनको कोई लेना देना नहीं, ऐसे गुरु को मैं नहीं मानता। जिन्हें देश से ही प्रेम नहीं, जो केवल अपना स्वार्थ साधता है, उसे मैं गुरु मानने से इनकार करता हूं। तो ये मेरे गुरु, इनकी रक्षा मैंने की थी बंदूक हाथ में उठा करके पूरे संघ की, जब आष्टा में इन पर उपसर्ग हुआ था, जब मैं एलक था, 1999 की बात है। उनकी रक्षा करने वाले को भूल गए ये, लेकिन औरतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया 7-7 बार ये अरविंद शास्त्री। एक कमेंट है वहां पर, नजर डालिएगा, भोपाल का है वो। जिस दिन पकड़ा जाएगा, ये मेरा वचन है, उसको लाइव तोड़ूंगा मैं, लाइव में। किसी प्रशासन से, किसी पुलिस से मुझे डर नहीं है, मैं मारूंगा जरूर उसे। बस हाथ में पकड़े, मेरे लोग लगे हुए उसको पकड़ने में। जिस दिन पकड़ा जाएगा, मारेगा उसको सूर्य सागर स्वयं। वो 7-7 बार माता बहनों के साथ पकड़ा गया रंगे हाथों, और ऐसे भोगी को दीक्षा देने वाला मेरा गुरु कुंथू सागर, जो आलते में आश्रम लेकर के बैठा है, और ऐसे गुरु को मैं क्यों मानूं? वहां जाकर के उसे आचार्य पद भी दिया गया। ऐसा फिर से वो उस वेश को छोड़ा और आज वस्त्र पहन करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में औरतों के पीछे दीवानगी की तरह दीवाना बन करके भाग रहा है। और वो मेरे को वहां पर कमेंट करने आता है कि गुरु जी शांति बनाए रखो, तो ध्यान रखो धर्म के नाम के दलालों, धर्म को बेचने वाले सभी हरामजादों और माता बहनों पर कुदृष्टि डालने वाले तुम सभी साधुओं, अगर तुम्हारा किसी के साथ प्रेम हो गया है ना, तो वो मेरा कोई विषय नहीं, वो चलता है। जब सत्य युग में विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, इतने महान ऋषि थे मेनका रंभा ने उनकी तपस्या भंग कर दी, जब वहां पर उस समय इस प्रकार की घटना घट सकती है, तो इस काल में घटना घटी है तो कोई स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम गली गली में मुंह मारते बैठोगे, गांव गांव में जाकर के माता बहनों के शील की धज्जियां उड़ाओगे, ऐसे लोगों के लिए सूर्य सागर जरूर गालियां देता है, क्योंकि तुम गालियां ही खाने के लायक हो। सामने आएगा तो सीधा गोली मारूंगा, ये भी जानती है, इसलिए तुम नहीं आओगी मेरे पास। तुम लोगों की सारी फटती है, चाहे विद्या सागर के चेले हो, चाहे मेरे गुरु कुंतु सागर के चपट्टे हो, सबकी फटती है। सबको मालूम है कि तुम लोगों के धंधे और दुकानें बंद हो जाएगी। धर्म के नाम पर धंधा मत करो, और हमारे जैन भाइयों को, जैन साथियों को, जैन धर्म को कंगाल मत बनाओ, जैनियों को हिजड़ा और नपुंसक मत बनाओ, समझे? ओ दीपक भाई मुझे कॉल कर रहे हैं, दीपक भाई हिंदू, चलो मैं उनको पता नहीं, तो कोई उन्हें मैसेज कर दीजिए। तो जो भी है, बस मैं इस लाइव को समाप्त करता हूँ। माता बहनों मुझे क्षमा करना, क्षमा मैं ऐसे मांगूंगा भी नहीं आपसे, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरी फितरत कैसी है और मेरे भाव कैसे, मेरे विचार कैसे हैं। गाली मैं तभी देता हूँ जब गाली खाने वाले आ जाते हैं, तो आप मुझे उस बात को इग्नोर करना। ये जो हराम खोर है ना, ये परेशान करते हैं नाहक, इसीलिए मैं भड़क जाता हूँ। और जो मेरे केयर कर रहे हैं, मैं उन्हें दिल से फिर से एक बार बताना चाहूँगा, मेरा बीपी हाई नहीं होता है भाई, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। आज तक मेरा बीपी कभी लो या हाई नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हाँ विशाल बेटा बराबर बोल रहे हैं, ऐसे फर्जियों का तो, लेकिन उनकी गलती नहीं है, उन हरामियों की गलती जो उन बाबाओं के पास जाते हैं। कुछ मेरे बिगड़े हुए शिष्य भी मेरे गुरुजी के पास इर्द गिर्द मंडराते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर मिल रहा है सब कुछ, सब कुछ मिल रहा है। ऐसे कई बाबा है जो चप्पल भी पहनते हैं, हमारे दिगंबर, प्रमाणित कर दूंगा मैं, अगर कोई बोलता है ना
कि गुरु सूर्य सागर झूठ बोलता है तो प्रमाणित कर दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। मेरे पास ऐसे 300 से ज्यादा प्रमाण है, पर मुझे उसने कोई मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी जल्दी ही मेरे एक राजकीय संगठन की नींव रखूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि तुम आर्मी में चले जाओ, कुछ लोग बोलते हैं मुझे तुम वस्त्र पहन लो। मेरी बड़ी चिंता है इन्हें, देश की देशहित की बात कर रहा हूं तो वस्त्र पहन लो तो। पर तुम्हारे विद्या बाबा के पास भी बड़े बड़े नेता जाते हैं, जाते नहीं है, बुलाया जाता है, जबरदस्ती बुलाया जाता है। उनको क्या पड़ी है? जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था बीच में, तब बड़े रस ले लेकर के विद्यासागर जी सुनते थे कि क्या हुआ, प्रमाण वो भी है मेरे पास। इसलिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन मैं करूं बेहतर है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मुझे मेरे देश से प्रेम है और मेरा देश ही मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा महावीर। हाँ जी आदित्य ठाकरे, ये तो साले दरगाह पर जाकर के मुसलमान बन गए हरामखोर। वैसे मुसलमानों से अपने को कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी भाइयों की बात बताऊंगा, हम मुसलमानों की बात ही नहीं करें, हम कुरान की बात ही नहीं करें, हम हमारे धर्म की बात करेंगे, हम भगवद्गीता की बात करेंगे, हम अपने वेदों की बातें करेंगे, हर हमारे वेदों की हमारी भगवद्गीता की बातें हम हमारे हिंदू भाइयों तक, हमारे हिंदू समाज तक पहुंचाएंगे। हमें कुरान से कोई मतलब नहीं है और उससे कोई तकलीफ नहीं है हमें। जब हमारे को तकलीफ होगी हम उन्हें जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। उतनी ताकत तो इस सूर्य बाबा के पास में है, तुम भी अपनी ताकत बना करके रखो। और फिर से उन हरामी विद्या बाबा जी के चेले जी को मैं बोलना चाहूंगा, मेरे प्रपंच में ना पड़ो रे तुम, इतना गाली देता हूँ तुम सालों को, इतनी उतारता हूँ मैं तुम हरामियों की सालों, तुम कभी जो जो फोन कर रहा है बीच में साले, पागलों को अक्ल नहीं है, दो दो लगातार फोन करते हैं। मेरी गलती है, मैंने ब्लॉक नहीं किया था। तो मेरा कार्य जो है मैं कर रहा हूं और मैं जल्दी ही एक राजकीय संगठन की नींव रखूंगा और वो संगठन आने वाले 4 सालों में सबके नाक में निश्चित रूप से नकल कसेगी। वो केवल और केवल हिंदुओं के हित के लिए ही मैं संगठन का निर्माण कर रहा हूं। हाँ विवेक जी, हाँ मैं तो बनना चाहूंगा, मैं तो गुजरात का मुख्यमंत्री हमारा इतना निठल्ला है, उसके कारण इतनी अराजकता फैली है इस गुजरात में, मैं तो उसका बड़ा विरोधी हूँ। मुझे तो मेरे ये इस गुजरात का जिसमें मैं अभी हूँ, ये मेरे गुजरात के विजय रूपाणी की तो मैं बड़ी निंदा करता हूँ, मुख्यमंत्री की लायक ही नहीं है। कैसा मुख्यमंत्री निठल्ला, मुँह के पर मक्खी बैठ जाए तो भी ना वो मक्खी उठे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से प्रार्थना करता हूँ, या दिल से बनिए को मत बनाओ, वो बनिया है, क्षत्रिय को बनाओ, उससे बेहतर तो वो उसके पहले जो महिला थी मुख्यमंत्री उसमें भी तो भी दम था। ये मेरा यहाँ का विधायक है मधु श्रीवास्तव, वो तो भी लायक है कम से कम, तो और मैं भी तो हूँ ही। तो याद रखो, अगर मान लीजिए परमात्मा अगर इधर उधर कर दे और मैं अगर उस कुर्सी पर बैठ गया तो कितने जैनी आत्महत्या कर लेंगे, ये मेरे को जवाब चाहिए उन जैनियों से, कितने लोग मरेंगे। और अगर 13 पंथी गुरु जी लाइव बोलना, फोन मत करो, हाँ तेरी, हाँ धन्यवाद हिंदू सुखदेव। और बस जाते जाते और एक बात कहूंगा कि मैं जो संगठन की नींव रखूंगा, मैं अभी यहाँ आचार्य सुशील है जो मुंबई से है वो आएंगे यहाँ, उनसे भी चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं इस संगठन की नींव रखूंगा और यहाँ सभी साधुओं को निमंत्रण दूंगा। उसके बाद में उस संगठन को लेकर के मैं यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उस संगठन का मैं नाम घोषित करूंगा और वहां पर मैं उस संगठन में उन लोगों को ही उस संगठन में स्थान दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी साहब का विरोध नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी नहीं। हमें केवल अपनी लकीर बड़ी ही करनी है और ये सूर्य सागर आने वाले 4 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में कुछ करना चाहता है। और आने वाले 4 वर्ष के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के चुनाव में मैं अपने कैंडिडेट वहां खड़े करूंगा और मुझे इतना विश्वास है कम से कम 20-25 तो मैं मेरे साथी लोकसभा में अवश्य भेजूंगा और भेज करके रहूंगा, उतनी ताकत हमारे में है। एक जगह बैठूंगा, यही मेरा हेडक्वार्टर होगा और यही से मैं मेरे देश की सेवा करूंगा। और जो मेरे को राय देते हैं, ज्ञान दे रहे हैं ना कि कपड़े पहन लो, तो तुम्हारी माता बहनों को क्षमा करना, मजबूरी है, भेज देना, मैं उतार लूंगा, मैं पहन लूंगा तुम्हारे उनके उतार लूंगा, मेरी ज़्यादा चिंता न करो। मैं मोदी साहब का समर्थक जरूर हूँ, उनका प्रशंसक जरूर हूँ, उनके लिए मैंने सब कुछ किया है और आगे भी करूँगा, भले ही मेरा संगठन बने, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का भी निषेध नहीं करूँगा, लेकिन जो देश विरोधी बातें हैं मैं उनके खिलाफ अवश्य खड़ा रहूँगा। मेरे संगठन की क्या 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 नियमावली होगी वो सब आपके बीच में लाइव आकर के एक दिन ज़रूर बोलूँगा और सभी से अब सहयोग मैं लूँगा, तन से मन से धन से, लेकिन तब लूँगा जब मेरा संगठन
की नींव में रखूंगा। और क्षमा करिएगा, कभी कभी आवेग में मैं आता हूँ, फिर से इतना याद रखो, सूर्य सागर का बीपी कभी नहीं बढ़ता है, इतना कमज़ोर नहीं हूँ, 13 बार सांप काट चुका है मुझे, मैं मरा नहीं हूँ। अभी अभी मुझे सुबह पैर में मोच आई हुई है मेरे, क्योंकि मैंने गाय को बचाया ही था, वो मरते मरते बचाया, सुकून है, पैर में मोच आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इतना बीपी मेरा, शरीर बहुत मजबूत है अंदर से, भले 50 किलो वज़न है मेरा, तो मेरी चिंता मत करो कोई भी, सभी को मैं एक ही बात राय दूंगा कि बीपी मेरा बढ़ता नहीं है, बीपी उन लोगों का ज़रूर बढ़ जाता है जैसे मैं पोस्ट अपलोड करता हूँ। तो अभी पटाखे फोड़ रहे मेरे साथी, जा रहा हूँ, लाइव दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कल लाइव दिखा चुका हूँ, कल के सिर्फ इतने छोटे से लाइव से, छोटे से पटाखों के आतिशबाजी से इनके पटाखे पिछवाड़े से फूटना प्रारंभ हो गया, तो समझ लीजिए कि और बारूद फोड़ते हुए दिखाऊंगा था, और क्या होगा, मेरा स्वप्न है मुल्ला मुक्त भारत, और मैं वो करूंगा अपने तरीके से करूंगा। सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, बस ऊंच नीच बोल देता हूँ कभी कभी बोलते हुए, क्षमा करना, वंदे मातरम।